तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर आ रही है, जहां रतहरा बाईपास नेशनल हाईवे में प्रवासी मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। लगभग एक घंटे तक यह चक्का जाम की स्थिति निर्मित रही, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिनके आश्वासन के बाद यह चक्का जाम हटाया जा सका है। इस वक्त की यह बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के रीवा जिला से आ रही है, जहां रीवा इलाहाबाद नेशनल हाईवे मार्ग पर प्रवासी मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। इन प्रवासी मजदूरों का कहना था कि प्रशासन द्वारा उनकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो खाने की पीने की और ना ही आने जाने की, जिसके चलते आक्रोशित इन प्रवासी मजदूरों ने रतहरा में चक्का जाम कर दिया था और रीवा इलाहाबाद मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। चक्का जाम की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को समझाइश दी गई है, इनके आने जाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। थोड़ा सा आप वो कर दीजिए, क्या समस्या है, किस कारण से आप लोग जाम लगाए हैं? गांव जाने के लिए। बोलिए बोलिए, पहुँचा खाना भी नहीं मिला है, चार दिन से एमपी वाले बोल रहे हैं यूपी बिहार को गाड़ी नहीं है, क्या करेंगे, इधर पे क्या करने के लिए बुलाया है? बोला मैं छोड़ूंगा इधर पे लाके, मैं इधर को फंसा दिया। और सर ये ट्रक वाला जो है 2-2 हज़ार रुपया मांग रहा है बिहार के लिए, जिसके पास सर खाने के लिए नहीं है, कहाँ से देगा बताइए? मिला के आपको सुविधा चाहिए जाने के लिए, है ना? 3 दिन से खाना नहीं खाया हम लोग सर। इधर इधर कैंप लगा हुआ है, उसमें हम लोग गए, कैंप वालों ने बोल रहे हैं यूपी बिहार झारखंड वालों के लिए कुछ भी साधन नहीं है, हमारे पास जैसे जाना चाहते वैसे जाए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जाना चाहते हम लोग जाएंगे, साधन मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। चलिए आपकी व्यवस्था करवाते हैं, थैंक यू। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको रीवा से दिखा रहे हैं, जहां रतहरा बाईपास में प्रवासी मजदूरों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, जिससे रीवा इलाहाबाद मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको समझाइश दी है, जिसके बाद आवागमन फिर से चालू किया जा सका है। CSP शिवेन सिंह बघेल ने बताया कि यह सभी मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, वहां से पैदल चलकर आए हैं, जिनके आगे जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिससे यह आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिए थे। इनको समझाइश दी गई है और इनके आगे की व्यवस्था की जा रही है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो है गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम लेबर जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं, और आज भी सुबह ऐसा ही हुआ, कुछ लोग जो है बिहार और यूपी के लोग ट्रकों में बैठ करके अपने घरों के लिए वापस जा रहे थे। रतहरा बाईपास के पास ट्रक वाले उनको उतार के चले गए, लगभग 100-125 लेबर जो है यहाँ पे रोड पे बैठ गए, उन्हें जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस पहुँची और पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको यहाँ से बॉर्डर तक भेजने की व्यवस्था करेंगे। आश्वासन के बाद जो है वो लेबर उठ गए हैं, जाम खुल गया है आप जैसा देख रहे हैं। नहीं, हम लोग तो केवल अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक भेज सकते हैं, उसके बाद वहाँ से बॉर्डर से वहाँ यूपी के बॉर्डर में जो अधिकारी रहते हैं उनसे बात की जाएगी, और जब यूपी से परमिशन मिल जाएगी इनको अंदर भेज दिया जाएगा। फिलहाल इन्हें अभी कहाँ रखा जाएगा? नहीं, रहने की आवश्यकता नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे जो बॉर्डर के अधिकारी हैं बॉर्डर के अधिकारियों से बात करते हैं, उसके बाद उनके जाने की व्यवस्था हो जाती है थोड़ी देर में।